अस्सलाम वालेकुम, मैं सुगंध डेला सलाल बस से, और कितना खूबसूरत मौसम है और हम हैं आज चाय वाला पे। मौसम को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू कम एंड एंजॉय यमी फूड एंड चाय। सो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स सी कि हमें यहाँ पे व्हाट्स इन साइड फॉर अस। कम लेट्स गो। इट्स हाउस फुल ऑलरेडी। So yes, such a beautiful place. आप मतलब मुझे enter होते ही इतनी अच्छी feeling आ रही है। I'm sure आपको भी आ रही होगी। And it's houseful. Wow. It's really houseful. और जबरदस्त। मैं तो अभी जब मैं कैमरा नीचे नहीं लाऊंगा आज ना, मैं सिर्फ ऊपर ही रखूंगा। बिल्कुल। मैं enter हुई, मैं भी काफी देर तक तो aestheticness को ही देख रही थी। कितना खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। And I think ऐसी चीजों को एडमायर करना चाहिए। हम लोग उधर पीछे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम की जो इनकी जो सारी क्वालिटी चीजें हैं बहुत जबरदस्त। देखें नीचे बैठने की भी अरेंजमेंट है, कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। आई थिंक मैं यही कहने लगी थी कि हमें ऐसी खूबसूरत चीजों का एडमायर करना चाहिए। एंड जब हम ऐसी जगहों पे आए तो उस लिहाज उस मोहब्बत से बैठे, ख्याल रखें, बिकॉज किसी ने अपने ड्रीम को ये एक शक्ल दी है। इतनी मेहनत से जो ओनर है, उन्होंने अपनी मेहनत से सब बहुत मेहनत से बनाया है। सो आई थिंक एंड शी सेज कि वो अपना जो टेस्ट है वो खुद खड़े होके अपना जो है हर रेसिपी अपना टेस्ट बनाती है। सो आई थिंक आई एम जस्ट वेटिंग कि हम जितना खूबसूरत है, मुझे बस खाना भी मैं सोच रही हूँ कि बस हम ट्राई करें कैसा है। एंड ऑफ सॉरी वॉच आउट। सो आई थिंक क्योंकि जगह बहुत ही प्यारी है, हमें इसको बिल्कुल नाजुक है, बहुत इसी तरीके से हमें इसको ख्याल भी रखना चाहिए। जैसे कि सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, और यू कैन सी सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे ना, जैसे कि काफी बड़े लोग, ये ज्यादा लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, ज्यादा लोगों की अरेंजमेंट है। ये आपका इंस्टाग्राम कॉर्नर आ गया, यहाँ पे मजे से लोग कर रहे हैं, यहाँ पे लोग जो आराम से बैठे हुए कॉर्नर पे। तो बहुत अच्छा। हाँ, अब आते हैं जरा काम की बात पे। काम की बात क्या है भाई? खाना। चलिए भाई, सो यू कैन सी दिस प्लेस इज पैक्ड इवन ऑन थर्सडे। और यहाँ पे हमारे पास खाना भी माशाल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हसन सुंदर साहब यहाँ पे बैठे हैं ना? हसन भाई माइक आपके पास ऑन है। ओके, और आप खाना खा के बताएंगे। दिस इज अ न्यू डिश व्हिच इज कॉल्ड चिकन हबीबी। एंड जाहिर सी बात, जब हबीबी की बात होती है तो हबीबी कौन होता है? सो हबीबी, दिस हबीबी फॉर यू। बिल्कुल। और बहुत फ्रेंकली बताना है, ये मेरी हबीबी से अच्छी है या नहीं? बहुत मजे की है। एंड इसके साथ ये क्या पूरी पराठा है ना? दिस इज पूरी पराठा। दिस इज रियली गुड, मजे की है। तारीफ कर रहा हूँ, और जाहिर बात है लोग जानते हैं मुझे, तो मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं। दिस हबीबी इज रियली हबीबी, यू मस्ट कम एंड ट्राई दिस। बाकी चाय का तो यहाँ जवाब ही नहीं है, विंग्स हो गए। तो आज प्रॉपर खाना खाने आए मैं और मेरी बेगम। हसन भाई आपसे एक क्वेश्चन। दावत क्या है? डैलस हलाल बस की दावत। क्या बात। हसन भाई आपसे एक सवाल करना था मुझे। हाँ। ये जो आप चिकन हबीबी अभी खा रहे हैं, जब आपको भूख लगी होगी तो आपको ये हबीबी फ्लेवर करेंगे आप या फिर ये हबीबी फ्लेवर करेंगे? देखो ये जो हबीबी है ना, ये तो जिंदगी भर की हबीबी है, ये कभी कभी मिलेगी हबीबी। और यहाँ की जो ओनर है, आई मस्ट टेल, सोल ओनर, यस समीना जी, शी इज वंडरफुल, आई लव दैट वुमन। होता क्या है, ये देश कैंडिडेट कैंडिडेट हो गया। जो अच्छे लोग होते हैं और अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल, तो हमारे यहाँ बहुत हर किस्म के लोग हैं, बहुत सारे खुश होते हैं और बहुत सारे बुराइयां करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जहां आप सुने कि बुराइयां ज्यादा हो रही है ना, तो यू मस्ट गो योरसेल्फ एंड चेक इट आउट, बिकॉज वही तारीफ के काबिल। डेफिनेटली काम अच्छा हो रहा है तभी लोग हेट कर रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग हेट कर रहे हैं। दैट्स राइट, दैट्स सो ऑलवेज हैपेंस कि जब कोई चीज तरक्की कर रही होती है बहुत पॉजिटिव वे में,
तो देयर आर नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो आके उनको प्रॉपर कोशिश करते हैं कि सब अटैच करें या उसको डैमेज करें. सो सेकंड चीज जो है ये बताइए, व्हाट इज दिस, ये है सी कबाब का शॉट और लेना भाई, अभी भी है, अभी भी चल रहा है, कोई बेगम को आप पहले ये कर ले, नहीं हमने आप कर ले पहले हो तो बेगम को उठे रखो बस ठीक है. आज मेन्यू में बहुत सी जबरदस्त चीजें, एक तो हबीबी चिकन आपने देख ली, ये है सी कबाब कढ़ाई एंड पेशावरी सी कबाब कढ़ाई एंड वाओ दिस लुक्स सो गुड सो नाइस, बड़े जूसी, आई कैन जस्ट सी इट, बाइट बाइट लेने के बगैर मजा नहीं आएगा, बाइट लेना पड़ेगा. यस वाकई मजेदार है, सॉरी मिस, अच्छा जी ये आ गया आपका सी कबाब. सुगंध बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं आप. ओहो वाह वाह भाई वाह, अभी आप लोग को पता नहीं चला, मीनवाइल सुगंध जो है अभी बड़ा ट्राई कर रही थी. ओ वाओ ओहो रिएक्शन आ गया, रिएक्शन आ गया, मतलब खाते ही निकला वाओ, एक्चुअली रियली रियली टेस्टी. वाओ स्पाइस, आपका जो टेक्सचर, चाय वाला के नाम से अभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे खाना इतना मजे का मिलने वाला. एग्जैक्टली बिल्कुल चाय वाला वल्लाह, अभी भी खाना बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, सभी अभी भी हो गए, सबूत दे रहा हूँ अभी भी. भाई आज हसन भाई वाकई अपने घर में सोएंगे, गाड़ी में नहीं सोएंगे. ये कुछ मुझे मामला अलग लग रहा है. ये जितने यहाँ पे बटरिंग चल रही है कुछ और काम है यहाँ पे. हसन भाई से आप शो का पूछे हमारे, हसन भाई शो पे भी अभी आते हैं, पहले हम लोग जो ना पहले हम लोग आते हैं पहले खाना एक और. सो ये अच्छा ये जो है सर्व होता है विद सीख कबाब का, जो है सीख कबाब कढ़ाई दैट सर्व विद नान, गार्लिक नान. ओके अच्छा अब ये बताइए ये कौन है, ये है चिकन पुलाव. चिकन पुलाव जरा यहाँ पे भी एक बाइट होना चाहिए, क्या बिल्कुल चिकन के साथ प्लेट्स भी आ गई हैं, बाइट भी आ गई हैं, मैं जरा जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी खाएं, फिर हम लोग का जरा आगे एक और बात करनी है हमने. ओहो एक्सक्यूज मी, वो दैट्स अ वेरी गुड डिलीशियस पुलाव, मजे का चल रहा फ्लेवर है, पुलाव का बहुत अच्छा फ्लेवर है, मैं भी ट्राई कर लेती हूं. बिल्कुल ट्राई करें, इट लुक्स सो गुड, मतलब चावल सब बहुत वाह जबरदस्त. और यहाँ पे दानिश नूरानी साहब बैठे हैं यहाँ पे, सर आपने अभी तक चाय ट्राई की है? मैंने चाय ट्राई करी है, मुझे अभी भी मैंने अभी भी का बाइट खिलाया है. जी 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 ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही अच्छा है. कमेंट भाई आप जब यहाँ पर आए थे आप इस जगह का बता रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा खाना है, लेकिन मैं आप सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है अभी भी. और मैंने चाय पी है, मैं चाय लवर हूं, आप मुझे एनी टाइम मेरी आपको मुझे ना मेरी मेरी पोस्टिंग पे शक हो रहा था. हां आपकी पोस्टिंग पे शक हो रहा था मुझे, क्या हो गया क्यों इतना मक्खन लगा रहे हो? मैंने कहा मक्खन लगा रहे हो कामरान भाई, लेकिन एक्सट्रीमली मजे की थी ये हबीबी. और चाय तो मैं पी रहा हूँ, चाय लवर हूँ मैं, और चाय बड़ी मजे की है, कश्मीरी चाय नहीं, आई थिंक ये शायद ये कश्मीरी है, रेगुलर टी मैंने पी है, वो बहुत ही अच्छी दूध पाती है. जी जी वेरी नाइस. और अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया था कि भाई विंग्स चाहिए, ये हैं आपके विंग्स जबरदस्त, यहाँ पे फ्रिस्को में चाय वाला इज अवेलेबल. हसन भाई आज सबको खाने खिला रहे हैं, अभी भी हिट हो गया लग रहा ना, अभी भी जबरदस्त है भाई, जबरदस्त वेरी गुड. हां मेन्यू जो है बहुत वाइड, बहुत वास्ट, बहुत हर चीज है. इफ यू सी देयर इज अ स्ट्रीट फूड, स्नैक्स, विंग्स बच्चों के लिए, एंड देन चाय बहुत सारी किस्म की, कोल्ड ड्रिंक्स, सैंडविचेस, एवरीथिंग. आई मीन इट्स मतलब आप बस हर चीज है यहाँ. शाम के टाइम आएंगे तो है, दोपहर के लंच पे आएंगे तो है, आप रात के टाइम पे आओगे तो एनी टाइम यू कम. वीकेंड का जरा जिसमें वीकेंड पे भी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट टर्न अराउंड एंड देयर इज लाइक अ वीकेंड ऑप्शन हियर. ओह यस, ये जो है वीकेंड पे इनके पास इतने, और प्राइसेस चेक करें आप, इस वाइब के अंदर इस तरह के प्राइसेस में आपको ब्रंच मिल रहा है, हलवा पूरी छोले, कीमा फ्राई भी है, बीफ पाए भी है, ऑमलेट बिस्किट. I mean, I think मुझे ब्रंच पे आना पड़ेगा, because I am a brunch person. बिल्कुल. मैं ब्रेकफास्ट और ये सारी चीजें बहुत ढूंढती हूँ, so I think this is my to go. एक तो घर के करीब है, and this is just wonderful. तो आप देखें अब इसी मामले पे आज हमारा चाय वाला पे, and we hope to see you, because वाकई देखिए वाइब चेक करें और खाना, खाने की गारंटी दे रहे हैं कि it was
मतलब बहुत ही मजे का खाना था। मैं तो वही अभी देख रही हूँ कि बस ये हो, हम खाने पे टूटे। इट्स सो गुड। हमारा खाना खतरे में उधर। हाँ, हमारा खाना खतरे में उधर, तो हम अभी यही सोच रहे हैं क्योंकि वाकई जेन्युइनली सो गुड। बाकी वाइब आप चेक कर लें, इट्स हाउसफुल और यही होता है। और अब कामरान भाई आप बताएं। भाई बस आई वांट टू जस्ट फिनिश दिस बाय सेइंग दिस कि माशाल्लाह दिस प्लेस इज अमेजिंग, डेफिनेटली स्टॉप राइट हियर। मैंने पिक्चर्स लगाई थी, मक्खन नहीं लगाए थे, वाकई वो रियल चीज थी। और आपने वाइब देख ली है, खाना बस बहुत ही मजे का है, डेफिनेटली स्टॉप बाय हियर। चाय के जो नाम पे जो चाय है वो वाकई बहुत अच्छी चाय है। और यहाँ पे फ्रिस्को में मेरा ख्याल है इस तरह की चाय और कोई नहीं बेच रहा। प्लेन हो जाना पड़ेगा आपको। दिस इज द एरिया, कम ओवर हियर, स्टॉप बाय हियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।